हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमेट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के जितने भी प्राइवेट एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं उनके राउंड वन की क्या क्लोजिंग कट ऑफ गई है नीट 2024 की, वो मैं पूरा बताने वाला हूँ स्टेट क्वाटा का। इसमें मैं आपको सारे कैटेगरी का बताने वाला हूँ, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, और साथ में जो इन कैटेगरीज में गवर्नमेंट स्कूल क्वाटा है उसका भी क्या कट ऑफ गया है वो पूरा मैं एक एक यहाँ डिटेल में बताने वाला हूँ। और गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी नया कॉलेज खुला है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट का, उसमें अभी राउंड वन में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और साथ में अभी भी बच्चे एआईक्यू में मूव करेंगे, ठीक है, ज्यादा, तो इसलिए सेकेंड राउंड में आपको कट ऑफ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपको इतना हाई कट ऑफ देख के बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। और अगर आपको गवर्नमेंट का कॉलेज वाइज कट ऑफ चाहिए तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाके एमपी नीट 2024 काउंसलिंग का प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है वो भी देख सकते हो, और जो ऑफिशियल पीडीएफ आया है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप वो डाउनलोड करके वो भी देख सकते हो। तो गाइज, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव, ठीक है। और गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको कंप्लीट एमपी नीट 2024 काउंसलिंग का एक एक अपडेट मिलता रहे। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूंगा, फटाफट पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं एक एक करके एक एक कॉलेज का बात करूं तो टोटल 13 प्राइवेट कॉलेज है, जिनमें से एक जो सीओर वाला प्राइवेट कॉलेज इस साल ओपन हुआ है उसमें राउंड वन में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो मोस्टली राउंड टू में उसमें अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। तो बाकी के जो 12 में अलॉटमेंट हुआ है मैं उसकी बात यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉप का कॉलेज है श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आप देख सकते हो गाइस यहाँ मैंने क्लोजिंग मार्क्स और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक, सबसे इंपॉर्टेंट किस स्टेट रैंक पे, एमपी स्टेट रैंक पे क्लोज हुआ है कॉलेज वाइज, वो भी मैंने बाजू में लिखा है, तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ आपको मार्क्स बताऊंगा क्लोजिंग, आप बाजू में उसका ऑल इंडिया रैंक और क्लोजिंग स्टेट रैंक देख सकते हो, एमपी स्टेट रैंक, ठीक है। तो श्री अरबिंदो जो है अनरिजर्व में 612, ओबीसी में 606, एससी में 491 और एसटी में 365 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो राउंड वन का कट ऑफ इसलिए ज्यादा हाई दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है। पहली बात तो एक प्राइवेट कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, दूसरी बात अभी भी बच्चे एआईक्यू में ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे, ठीक है। और अगर इसी कॉलेज में मैं जीएस की बात करूं तो अनरिजर्व जीएस जो गवर्नमेंट स्कूल क्वाटा होता है, ठीक है, अनरिजर्व जीएस का 520, ओबीसी 519, एससी 466 और एसटी 364 पे लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्राइवेट का अच्छा कॉलेज है एमपी में वो है आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन। अगर आप इसका देखोगे राउंड वन का क्लोजिंग कट ऑफ तो अनरिजर्व में 611, ओबीसी में 605, एससी में 491 और एसटी में 370। और इसी कॉलेज का जीएस क्वार्टर में देखोगे तो अनरिजर्व जीएस 517, ओबीसी जीएस 515, एससी जीएस 444 और एसटी जीएस 370 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अनरिजर्व में जो है 602, ओबीसी में 598, एससी में 475 और एसटी में 352 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। इसी कॉलेज का अगर मैं जीएस कोटा की बात करूँ तो अनरिजर्व जीएस 501, ओबीसी जीएस 497, एससी जीएस 450 और एसटी जीएस 350 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल, इस कॉलेज का जो अनरिजर्व है वो 592, ओबीसी 589, एससी 462 एंड एसटी 340 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। अब अगर मैं इसी कॉलेज का जीएस कोटा का बात करूँ तो अनरिजर्व जीएस 494, ओबीसी जीएस 493, एससी जीएस 440 और एसटी जीएस 339 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं कॉलेज का बात करूँ तो एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल, इसके अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व 583, ओबीसी 579, एससी 452 और एसटी 325 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। इसी कॉलेज में अगर जीएस का बात करूँ तो अनरिजर्व जीएस 484, ओबीसी जीएस 481, एससी जीएस 439 और एसटी जीएस 315 पे क्लोज हुआ है। बाजू में मैंने गाइस एमपी स्टेट रैंक भी लिख के रखा है और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक भी, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, जिससे आपको सेकंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग में काफी हेल्प होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, तो अनरिजर्व 574, ओबीसी 570, एससी 443 और एसटी 321 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, ठीक है।
उसी के साथ अगर इसी कॉलेज में आप जीएस की बात करेंगे तो अनरिजर्व जीएस 480, ओबीसी जीएस 471, एससी जीएस 436 और एसटी जीएस 307 मार्क्स पे क्लोज हुए। नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूँ तो एलएन सिटी मेडिकल कॉलेज एंड सेवा कुंज हॉस्पिटल इंदौर, तो इसका जो राउंड वन का क्लोजिंग कट ऑफ है अनरिजर्व 570, ओबीसी 567, एससी 439 और एसटी 317 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। ठीक है, उसी के साथ इसी कॉलेज में अगर आप जीएस का सीट देखोगे तो अनरिजर्व जीएस 469, ओबीसी जीएस 464, एससी जीएस 439 और एसटी जीएस 308 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ तो महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च भोपाल, इस कॉलेज का जो अनरिजर्व है वो 567, ओबीसी 560, एससी 431 और एसटी 310 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। ठीक है, इसी कॉलेज में जो जीएस का कट ऑफ है अनरिजर्व जीएस 455, ओबीसी जीएस 454, एससी जीएस 419 एंड एसटी जीएस 306 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास डिस्ट्रिक्ट में आता है, इंदौर और उज्जैन के बीच में, अनरिजर्व जो है 565, ओबीसी 563, एससी 431 एंड एसटी 307 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और अगर इसी कॉलेज का जीएस का कट ऑफ देखे तो अनरिजर्व 455, ओबीसी जीएस 451, एससी जीएस 420 और एसटी जीएस 301 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर भोपाल, इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व 560, ओबीसी 557, एससी 429 और एसटी 304 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। इसी कॉलेज का अगर मैं जीएस कोटा का बात करूँ तो अनरिजर्व जीएस 458, ओबीसी जीएस 451, एससी जीएस 427 और एसटी जीएस 300 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ठीक है, ये कॉलेज पिछले साल ही ओपन हुआ था, तो अनरिजर्व 558, ओबीसी 555, एससी 424 और एसटी 300 मार्क्स पे राउंड वन में इस कॉलेज में क्लोज हुआ है। इसी कॉलेज में अगर आप जीएस कोटा की बात करोगे तो अनरिजर्व जीएस 450, ओबीसी जीएस 444, एससी जीएस 416 एंड एसटी जीएस 299 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। बाजू में इसका मैंने एमपी स्टेट रैंक भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो कॉलेज की मैं बात करूँ तो वो है सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर, अनरिजर्व 558, ओबीसी 555, एससी 425 एंड एसटी 298 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। अगर इसी कॉलेज में मैं जीएस की बात करूँ तो अनरिजर्व जीएस 489, ओबीसी जीएस 487, एससी जीएस 416 एंड एसटी जीएस 297 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। तो ये मैंने आपको सारे जो 12 प्राइवेट के कॉलेजेस का अलॉटमेंट आया है राउंड वन का, उसका मैंने पूरा आपको क्लोजिंग मार्क्स बता दिया है। सारे 8 कैटेगरीज में नॉर्मल 4 और बाकी जो चारों में जीएस इन्वॉल्वमेंट है उसका भी, और बाजू में मैंने क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक एमपी स्टेट रैंक भी लिखा है। तो जिस भी कॉलेज का आपको चाहिए था आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक कॉलेज का अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो राउंड 2 में या मॉपअप में कॉलेज का अलॉटमेंट जरूर रहेगा। ठीक है, थैंक यू।